तो गाइस मैं बता दूं, ये हमारे रिकॉर्डिंग में हमारा तीसरा दिन है। बहुत ही मजा आया। फाइनली अभी जाने का मन नहीं था, पर क्या करना, काम धंधा होना पड़ रहा है, तो छोड़ के जा रहा हूँ हमारे रिकॉर्डिंग स्टूडियो को, पूरा टाइम के लिए नहीं, अभी के लिए, फिर मिलेंगे। तो मनीष भाई यहाँ पे, और यहाँ पे सारे, मतलब इनका भी इंटरव्यू लिया हूँ, मेरा माइंड चैनल पे जाइए। और ये भाई भी नाम बताइए आप अपना, एक बार भी नाम नहीं बताए। दिलीप कुमार, हाँ दिलीप भाई भी है, और मनीष भाई पता नहीं कहाँ गया, और यही है अपना स्टूडियो, यही पर तीन दिन धरिया धर्म धरे थे। और यहाँ पे रेडी हो चुका है नंदू भाई, देख सकते हो जाने के लिए। अभी अपन नंदू भाई, मैं जाने वाला हूँ कहाँ पे, अनिल भैया का इंटरव्यू, हाँ दरभंगा, अनिल भैया का इंटरव्यू लेने के लिए, राइटर अनिल का। और पवन भाई तो पता ही है, तीन दिन से अपन साथ में ही है, और बहुत ही मजे किया। जनकपुर का वीडियो तो देख लिया आप लोग, कितने हम लोग नए साल में मचाए। फाइनली अभी ये जा रहे हैं दरभंगा। तो अभी मनीष भाई इधर आइए, पहले तो अहाँ का थैंक यू सो मच, बहुत ही तरह से अरेंजमेंट कर लिए। नेपाल ट्रिप मतलब जनकपुर का ट्रिप जे छे ना मनीष भाई का द्वारा सक्सेसफुल मिले, बहुत ही मजा आया। हमारे वही उम्मीद रहत कि आप सब जितने जल्दी आओ फिर और कहीं ले चलो, मजा कर दे बोले मैंने कहा। और क्या कहते आदमी, बस नहीं ना, बहुत ही मजा आएगा गाइस, आप लोग तो देख ही रहो कितने मजा है। और जो भी प्लान था, जो भी यहाँ के आने का मकसद था, एक ही एक था, मनीष भाई एमआर रिकॉर्डिंग स्टूडियो। तो मिलते हैं तब तक के लिए, बाय। गला मिला लिया मैं, हम सब गला मिल लिया। आई नो दिलीप भाई, चलो मिले ची रास्ता। तो गाइस अपने मिथिलांचल का एक रीति की कोई, जो पूरा सेंटेंस कंप्लीट करिए था, रीति हाँ रीति रिवाज है कि जाने से पहले आप लोग कभी पान खा ले। तो ऐसे ही हम लोग अभी मनीष भाई के गांव ही समझ लीजिए, इनका स्टूडियो के पास, तो अभी हम लोग इनको छोड़ रहे हैं, मतलब बाय बाय बोल रहे हैं, जा रहे हैं। तो बोले कि जाने से पहले आप लोग पान खा लीजिए, आप लोग भी याद रखेंगे, देखते खाने से कैसे क्या है यहाँ पे। हमें मीठा पान, सब तो गाइस फाइनली देख सकते हो पान, अभी मैं भी खाना स्टार्ट कर दिया हूँ, हाथ में पान है। आइए हाँ सब नहीं खबे, हाँ धोखेबाज होता है भाई, हाँ सब क्या नहीं खबे। तो गाइस फाइनली अपन आ चुका है दरभंगा, वहाँ से करीब 40 किलोमीटर दूर थे हम लोग, राइटर अनिल यादव जी का इंटरव्यू लेंगे। तो चलिए चलते रहिए। हाँ चेकिंग चल रहा था, क्या करें हम लोग निकल गए, एक हेलमेट है, एक हेलमेट से ही काम चलाएंगे। तो फिलहाल फिलहाल हम लोग आ चुके हैं राजा महाराजा के किला, देख सकते हो मेरे जो तो गाइस फाइनली जैसे तैसे करके हम पहुंच चुके हैं दरभंगा, और दरभंगा में किसके पास पहुंचे तो भाई सामने में है, देख सकते हो। तो अभी भाई से मिला हूँ, बहुत ही खुश, मजा आया भाई साहब भारी थे और इंटरव्यू नहीं लाल चाह रहे थे, ब्लॉग चैनल पर जो पहले। तो भाई सबसे पहले बोले कि चल चलते हैं थोड़ा नाश्ता वास्ता कर लेते, तो सुबह में आया नाश्ता वास्ता कर रहा है, तो वीडियो देख के लिए बहुत ही मजा आएगा। तो गाइस फाइनली मैं तो ऑर्डर कर दिया, बाकी सब पता नहीं ऑर्डर किया नहीं किया। अपन पनीर पफ खाएंगे आज, देखते हैं क्या कैसे होता है, टेस्ट करके बताएंगे। और फिलहाल बहुत ही ज़्यादा टायर्ड है गाइस, वहाँ से कितने किलोमीटर था, 40 किलोमीटर दूर सोच सकते हो, डायरेक्ट नॉन स्टॉप मैं ड्राइव करके आया हूँ, किसके पास, राइटर अनिल यादव जी के पास। तो मिलेंगे और उनका इंटरव्यू लूँगा, तो जाके आप अपने मेरा माइंड चैनल पे जाइए देखिए। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो अपन आलू पनीर पफ्स का मजा लेते हुए मजे कर रहे हैं, और भाई साहब अभी तो खा के गए थे फिर भी हमारे लिए खा रहे हैं, और ये भाई साहब को देखो ना मिलने पे भी बोल रहे कि अच्छा नहीं लग रहा है, खाने नहीं देंगे हम बिहारी, हम समझ रहे हो ना। हाँ नाटक पे नाटक, 50 रुपया काट लिया जाए इसका। और पवन भाई हो रहा, तू भी कुछ बोला बोल दिया करो ब्रो, कुछ नहीं, बहुत ही मजा आ रहा है गाइस, मिलते हैं। और पफ ये रहा हमारा पनीर, पनीर पफ के बाद रस मलाई। तो गाइस हमारा नाश्ता वास्ता हो चुका है, देख सकते हो ये बिल, और कितने का है वो बताऊंगा तो आप लोग भी बोलोगे इतने कम खाते हैं, इसके लिए बताना जरूरी नहीं है। बहुत ही मजा आ गया, पर जो भी खाए ना बहुत ही मजा आ गया खाते। तो अभी देखते हैं अपन राइटर अनिल यादव भाई कब फ्री है, क्या है, कैसा है, नहीं है,
उसका इंटरव्यू शूट करेंगे और अपन मचाने वाला है। बहुत साइलेंट दिखता है ना, ये ऐसे ही है या ऐसे कैमरा? हाँ बहुत साइलेंट लगे चाहिए। हाँ चलिए, यहाँ का हाँ या तो कोई बात नहीं, चले चेक अभी चालू अभी। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे फाइनली अनिल यादव, राइटर अनिल यादव जी का इंटरव्यू ले रहा हूँ। तो यहाँ पर रेडी है, तो जाइए जल्दी जल्दी आप मेरे मेन चैनल पे जाइए, ये वीडियो छोड़ कर उस चैनल पे देख का ये इन्होंने कैसे क्या लिखते हैं अपने मिथिलांचल में और मचाते हैं डीजे पर इतने सारे सिंगर को, इन्होंने बहुत सारे गाना दिए, तो इनके अपने लाइफ स्टोरी के बारे जानेंगे, तो वीडियो देखते रहिए। हाय फ्रेंड्स, देखिए आज मेरे राइटर अनिल भाई और विष्णु भाई दोनों आए हुए हैं दरभंगा। तो विष्णु भाई आज राइटर अनिल यादव का थोड़ा क्या है लाइफ इनका इसके बारे में कुछ जानकारी लेंगे और आप लोग को बीच भी बोलेंगे क्या है और नहीं है, तो देखते रहिए। और विष्णु बिहारी चैनल पे आप लोग जाके ये वीडियो देखिएगा। ये अभी देख लीजिए, हम लोग दरभंगा का लोकेशन देख लीजिए, दरभंगा ललपट्टी में अभी ये हैं। तो गाइस जैसे आप लोग को पता है आज मैं राइटर अनिल यादव जी का इंटरव्यू लिया हूँ और साथ में आप लोग को इनका भी इंटरव्यू लिया हूँ, तो आप लोग को तो देख ही रहे हो मेरे सेकंड मतलब विष्णु बिहारी माइन चैनल पे। तो अभी हम लोग फिलहाल निकल चुके हैं डिनर के लिए की सर जी। हाँ तो अभी चलिए साथ में, तो अभी रात के टाइम है, कितना टाइम भो गए? 7 बज गए थे ना यार, 7:40 भो गए थे, ते द्वारा अंधेरा छे, तो फ्लैश लॉ का अहार के लिए वीडियो शूट कर रहा छे और यहाँ पर अनिल भाई बात करे छे। कोई बात नहीं, आगे देख। तो गाइस देख सकते हो मार्केट में मजा लेते हुए, दृष्टि को देखते हुए, व्यू को देखते हुए अपन डिनर के लिए जा रहे हैं। नंदू भाई की हाँ और दिखाते हैं क्या क्या मिलता है खाने के लिए। हाँ दिखलाएंगे और खाएंगे भी, टेंशन नहीं लीजिए, आप लोगों को भी मिलेगा। अपन कहाँ पे अभी? अभी ललपट्टी मैन चौक। ललपट्टी मैन चौक दरभंगा। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं दरभंगा वैष्णो भोजनालय। यहाँ का टर्म एंड कंडीशन बहुत ही खतरनाक है, पेट भर के खाना खाइए 120 रुपया में, और खाना जब थाली में छूट जाएगा ना तो 200 रुपया जुर्माना, और जब पूरा ख़त्म कर दोगे तो 20 रुपया इनाम दिया जाएगा। मात्र 20 रुपया देख सकते हो यहाँ पे जुर्माना 200। भोजन का पैसा जमा करके बैठे, भोजन का मूल्य दाम 120 रुपया है, भोजन थाली में छोड़ने पर 200 रुपया देना होगा, भोजन पूरा खाने पर 20 रुपया इनाम दिया जाएगा। दरभंगा वैष्णव भोजनालय देखते हैं थाली आने के बाद क्या कैसे है, क्योंकि मैं देखेंगे क्या कैसे है। बस ये भाई साहब आए हुए हैं ना बहुत बार यहाँ पे? हम नहीं आए, आप नहीं आए? हम सेकंड टाइम है ना, देखते हैं। मेरा सेकंड टाइम है, इनको एक्सपीरियंस है, अभी मत बताइए, आने के बाद देखेंगे। हम लोग भी एक्साइटेड है क्या थाली में रहेगा या नहीं रहेगा। हाँ एकदम मजे से। तो देख सकते हो गाइस फाइनली लग चुका है हमारा खाना, डिनर समझ लीजिए, खाना समझ लीजिए, रात्रि का भोजन समझ लीजिए, जो समझना है समझ लीजिए। ये अभी हम लोग दरभंगा वैष्णव में भोजनालय में है, तो यहाँ पे क्या क्या दिया जल्दी जल्दी बता देता हूँ। 3 तरह का सब्जी दिया, नींबू, रोटी, मिर्ची, पापड़, सलाद और अचार। बहुत ही मजा आएगा और टेस्टी करके टेस्टी करके बताइए कैसा लग रहा है आपको, जल्दी जल्दी बताइए। बर्निक बड़े बढ़िया बड़ सुंदर सही बात है। हम स्टार्ट कर दिए, गजब का स्टार्ट कर रहा, ये सब देखने के बाद कंट्रोल नहीं किया जा रहा है। तो पहले अपन डालते हैं फिर मिलते हैं। तो गाइस ऐसे भोजनालय में आएंगे और ऐसे भोजन खाएंगे इन दोस्तों के साथ, तो जिंदगी का मजा ही कुछ अलग है। बहुत ही मजा आया, अगर दरभंगा से देख रहे हो कोई लोग तो आइए एक बार, जैसे हम लोग दोस्त के साथ आए हैं, बहुत ही मजा आया। हाँ हाँ गर्लफ्रेंड लेकर आएंगे, आओगे उनके लिए 10% डिस्काउंट रहेगा। 20% सच में बहुत ही मजा आएगा ना। नंदू भाई
केहन लगत? बहुत बढ़िया, बहुत नीक, बहुत सुंदर। आई चाचा तो भाई जी छथि, भाई जी अहाँक बहुत अच्छा। और कोई दू सब खाली बहुत 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 अच्छा कह रहा है, सबसे खाए वाला आदमी हम छे, से इज्जत से बजे जे सबसे ज्यादा से उठे जाए छी। बहुत मजा आ गेले, बस छे तो गाइस मैं बता दो मेरा बेइज्जती करबे कथी धीरे 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 तो बता दो। अभी हम लोग सो रहे हैं बहुत देर से तो गाइस देख सकते हो वहाँ से आए और सब अपने अपने फोन में लग चुके हैं, तो फाइनली हम लोग देख सकते हो सो रहे हैं। बहुत ही मजा आ रहा है भाई लोग के साथ में सोने में। तो आई होप आप लोग को भी वीडियो देखने में मजा आया होगा। तब तक के लिए गुड नाइट कह दिया, गुड नाइट, सुबह मिलिए।